मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, और हम भी ठीक है। तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। तो घर का जो भी काम है सुबह का वो ख़त्म हो चुका है। अभी टाइम है नाश्ता बनाने की, तो बस अभी शुरुआत हो रही है सुबह की नाश्ता। तो नाश्ता में हम लोग का संडे का स्पेशल है सेवई, तो बस वही बना रहे हैं और बाकी सब ठीक है। चलिए आज के ब्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। दिन भर में हम लोग क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बने रहिए लास्ट तक, देखिए कैसे लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज का मौसम भी अच्छा है बट धूप नहीं निकला, बारिश हो सकती है। और इधर मेरी गरम हो चुकी है पैन, तो चलिए बनाते हैं। सिवई वगैरह ज़्यादा दिन रखने से ना कीड़े बन जाते हैं, तो हम लाए थे 3, तो एक पैकेट ख़त्म हो चुका है, दूसरा पैकेट ये है और तीसरा पैकेट है, तो हमें उसको भी ख़त्म करना है। क्या देख रहे हो दद्दू? चला गया मैं दादू भैया को देख ली। मैं तो पूछी कि क्या देख रहे हो आप? क्या बोला? कुछ बोले ही नहीं, चले गए। पानी देखने चाह रहे थे। देखो कैसे पकड़ाई दी। हाँ बेबी तुरंत हो जाएगा, तब तक आपको मैं गर्म पानी दे देती हूँ, ठीक है। अब आपका ये पकौड़ा बचा हुआ था तो अभी बना देगी शाम को। कच्चा वाला बेबी, मतलब वो मैरिनेट किया हुआ चिकन बचा हुआ है, आप शाम को बना देते हैं, ठीक है। दो बनाने के लिए मैं तेल गरम नहीं करूंगी। अब मिक्सचर खा लो। दो से आपका मन नहीं भरेगा, बिस्किट खा लो एक। तो काफी टाइम हो गया दोस्तों, 9 बजने वाले हैं तो भूख लग रहा है। और वैसे ही सामने को काम करते करते हो ही जाता है टाइम लैग। आज तो फिर भी हम लोग जल्दी उठे हैं 6 बजे, कभी कभी हम 7 बजे उठते हैं, फिर भी उसी टाइम में हम लोग का काम खत्म हुआ है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किए हम लोग आज, जो हमारा रूम है छोटा सा जहाँ बाबू का खिलौना वगैरह रहता है, वो खिलौना इतना बिखार के रखे थे इतना कि मुझे आधा घंटा लग गया समेटने में, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा टाइम लग गया मुझे। ये हमारी शिव है, तो ये काफी सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं हमेशा, तो ये थोड़ी देर में बन जाएगी। और साथ में मुझे आज बालों में तेल भी लगाना है और 1 घंटा रखना है, तो इसके लिए मैं अभी लगाती हूँ ताकि नहाने के टाइम तक मेरा 1 घंटा हो जाए। तो बस जब तक ये पकता है तब तक मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने हेयर और इसके बाद मैं खिलाऊंगी। तो दोस्तों चलिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1 और अभी भी चल रही है लंच की तैयारी। आज हम लोग कुछ स्पेशल बना रहे हैं और इधर है चावल, करेले फ्राई, और मैं दिखाती हूँ क्या है स्पेशल। स्पेशल यहाँ पर है ये रहा,
आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि है क्या, ये है मटन। तो 2 महीने शायद हो गए होंगे हम मटन खाए नहीं थे, तो बस आज एक अंकल हमको देके गए हैं, हस्बैंड के साथ में काम करते हैं, तो बस थैंक यू उनको, हमको ला के दिए मेहनत करके। और बस अभी मैं बना रही हूँ, ये हुआ नहीं है, कोसा हो रहा है। ये चावल हुआ है कि नहीं, मस्त ये भी हो चुका है, छनना पड़ेगा अभी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसी वजह से मैं खा रही हूँ गाजर। और अभी मैं जा रही हूँ वो दुकान जहाँ से अंडे लाने हैं, और क्योंकि बाबू को मटन पसंद नहीं, उसके लिए अंडा बनेगा। और 2-3 दिन चिकन खा लिया ना, तो वो बोल रहा है कि मुझे चिकन भी नहीं खाना है, तो बस अभी जा कर लेके आती हूँ। और साथ में हमारा मटन मसाला जो मीट या हाँ वो ख़त्म हो गया, तो वो भी लेकर बस चली चलते। चीनी साइकिल चला रही है, अरे वाह, आगे देखो, आगे देखो, सीख गई। मुड़ाओ, हाँ गुड, उधर चलो। ये देखिए झंडा, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे है और अभी टाइम हो रहा है, नहीं हुआ है 8:20, और सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है। आज हम जल्दी उठ गए थे, जल्दी मीन्स 6:30 बजे, फिर भी संडे को कुछ ज़्यादा ही काम रहता है और बाकी डेली थोड़ा काम, तो बस आज जल्दी काम ख़त्म हो गया। अभी मैं ब्रश करके आ गई हूँ, बट बाबू अभी तक किया नहीं ब्रश। मैं बुला रही हूँ उसको, आ जाओ, लेकिन वो नीचे खेलने गया हुआ, तो तब तक आता है तब तक पानी गर्म करके पी रही हूँ। सुबह सुबह गर्म पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस सुबह मैं पी थी नींबू पानी गर्म करके नींबू रस के साथ, और अभी मैं ऐसे गर्म पानी, तो ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो पहले थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के आती हूँ। पानी पीना अच्छी बात है। तो दोस्तों कल आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, वैसे कुछ काम नहीं था, बट हम लोग दुकान गए थे ना अंडा लेने के लिए, फिर आने के बाद वही अंडा उबाली, फिर उसकी सब्जी बनाई, इतने में काफ़ी टाइम लग गई मुझे। और फिर हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाए, और थोड़ी देर बाद हम लोग रेस्ट भी ले लिए थे, क्योंकि कल है कौन सा दिन, मंगलवार है, कल बाबू का एग्जाम होने वाला था, तो हम लोग पढ़ाई इंग्लिश का होने वाला था, तो रात को हमें पढ़ाई करनी थी, तो इसी वजह से हम लोग जल्दी सो गए थे। इसके बाद उठ गए हम लोग सीधा, बाबू उठाए 7:30 और मैं 6:30 में उठी थी, क्योंकि उठने के बाद मैं मैसेज देखी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, प्रधानमंत्री आ रहा है ना, इसी वजह से रोड ब्लॉक होने की वजह से कल का जो एग्ज़ाम है वो सीधा 17 को ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो फिर मुझे अजीब सा लगा कि अरे, मतलब ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम आए हम लोग अच्छे से करें फिर जल्दी से हो जाए, तो ख़त्म हो जाए, टेंशन होती है, तो बस फिर मुझे इतना बुरा लगा कि
चलो बाबू को मैं नहीं उठाती हूँ। फिर मैं उठी बर्तन प्रसाद की, तब तक 7:30 हो गई थी। फिर उठाई, फिर हम लोग जो नाश्ता वगैरह किया बाबू, इसके बाद हम लोग को सोते सोते 12 बज गए थे सारे, क्योंकि हम लेट चल रहे थे। तो फिर मैं आगे ब्लॉग नहीं बनाया, वो तो हम लोग सो रहे थे, वो क्या ब्लॉग बनाना। तो सोचे कि चलो आज कंप्लीट करते हैं ये ब्लॉग, और बस सब ठीक है। अभी धूप निकली हुई है और बीच बीच में बादल भी आ रही है, बारिश हो भी सकती है। नहीं भी आज पूरा शहर बीजेपी के झंडा से भरा होगा। कल मैं थोड़ा थोड़ा दिखाए थे आप लोग को, पूरा लगाए हैं पूरा ये रोड साइड साइड। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसको प्राइवेट कराने के लिए, प्राइवेट वालों को देने के लिए। मुझे इसे सुनाई दिया है, तो एक्चुअली में क्या है पता नहीं, वही होगा क्योंकि अभी तो सब प्राइवेट किया जा रहा है। तो ठीक है, उनका जो काम है वो करेंगे। बस मुझे ये बुरा लगा कि हम लोग का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया। कल तक सब ठीक था, रात को, रात नहीं शाम को मैसेज आया कि ऐसा ऐसा। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं 17 का, और फिर उधर इंजॉय करेंगे पूजा जो आ रहा है, दुर्गा पूजा। ठीक है, तो बाबू आ चुका है, मैं उसके लिए पानी गर्म कर चुकी हूँ, अभी मैं ब्रश करा के आती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग ब्रश करके आ चुके हैं और इधर है बाबू। बाबू आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या खा रहे हो आप? चिकन पकौड़ा। तो दोस्तों हाँ, कल रात को मैं बनाई थी, रात को नहीं वो नाश्ता में टिफिन, तो उसमें मैं बनाई थी जो हम लोग बचाए थे चिकन, उसका पकौड़ा। तो कल थोड़ा बहुत खाया उसने, बाकी बचा के रखा है। तो सुबह सुबह ब्रश करने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद खा रहा है, और मैं पूछ रही उसको कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो अभी बोल रहा है कि नहीं, मेरा इसी से पेट भर जाएगा और नहीं खाऊँगा। तो ये बात बिल्कुल नहीं सुनने वाली, मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी और ठुसाऊंगी। अजीब है मम्मी। हाँ, तो यही बात है दोस्तों। और आज है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती है, तो आप सबको हमारी ओर से हैप्पी गांधी जयंती। अभी बोलो, हमारे तरफ से हैप्पी गांधी जयंती। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज कर दीजिए थोड़ा सा भी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।